नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं दिशु की दुनिया पर। आज यहां पे जो अल्ट्रासाउंड मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूं वो है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, अपनी लाइफ में प्रेगनेंसी चाहते हो, कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो, तो इस तरीके का अल्ट्रासाउंड आपका हो सकता है। तो ये एज ए एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ये आपका हो सकता है फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हो। तो जैसे ही आप ट्राई करते हो कंसीव करने के लिए, वैसे ही डॉक्टर आपका फर्स्ट ऑफ ऑल एक अल्ट्रासाउंड कराती हैं। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगी और आज आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके का अल्ट्रासाउंड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं, इस तरीके के स्कैन में आपको रिपोर्ट मिलती है और एक रिटर्न में रिपोर्ट मिलती है, जो कि इस तरीके से हो सकती है। तो दो तरीके से आपको रिपोर्ट मिलती है, एक तो रिटर्न में और एक मिलती है आपको इस तरीके के स्कैन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैन में यहाँ पे 4 डायग्राम हैं, जैसे कि 1, 2, 3 एंड 4। तो आपको क्या क्या चीज़ें इसमें देखनी होती हैं, डॉक्टर्स क्या क्या चीज़ें आपकी अल्ट्रासाउंड में देखते हैं, आज मैं वो मेंशन करने वाली हूँ। तो आपके मन में कोई भी सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मैं ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने क्वेश्चन छोड़िएगा और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अपना ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और किस तरीके की वीडियोस चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिटर्न में रिपोर्ट है वो देख लेते हैं। तो इस तरीके का आपको रिपोर्ट रिटर्न में मिलती है। जो अल्ट्रासाउंड होता है वो आपका लोअर एब्डोमेन का होता है, जो कि निचला पेट होता है उस पर आपका अल्ट्रासाउंड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ये जो आपका अल्ट्रासाउंड होता है, अगर आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड है तो ये पेट के ऊपर से ही होगा। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता है, जो TVS अल्ट्रासाउंड होता है, अगर डॉक्टर को कुछ आपके बहुत मेन चीज़ें देखनी होती हैं, मेनली तो वो फॉलिकल स्टडी के लिए होता है। सिर्फ और सिर्फ आपके यूट्रस और ओवरीज को अगर देखना होता है तो ये आपका एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होगा। TVS जो अल्ट्रासाउंड होता है वो फॉलिकल स्टडी के लिए होता है कि आपका अंडा कितना बन रहा है। तो चलिए हम एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है यूट्रस इज रेट्रोवर्टेड नॉर्मल इन साइज, और जो भी साइज़ है वो ये है, मेजरिंग 6.1 × 3.7 × 4.1 cm, आउटलाइन एंड इको टेक्सचर। तो इसका ये मतलब है, रिट्रोवर्टेड का जो मीनिंग है वो ये है कि जो आपकी यूट्रस होती है वो या तो पेट की तरफ आगे झुकी हुई होती है, या फिर वो स्पाइन की तरफ, रीढ़ की हड्डी की तरफ झुकी हुई होती है। तो जो नॉर्मली यूट्रस होती है वो आपके पेट की तरफ झुकी हुई होती है, बट जो मेरी यूट्रस है वो हल्की सी पीछे झुकी हुई है, जो कि स्पाइन की तरफ झुकी हुई है। तो इसलिए जो मेरी यूट्रस है वो रेट्रोवर्टेड है, और साइज़ वगैरह सब कुछ ठीक है, साइज़ नॉर्मल इन साइज़ है साइज़। तो यहाँ पे सिर्फ कुछ ही चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि यूट्रस हो गई, ओवरीज हो गई। तो जो थिकनेस है, जो परत होती है यूट्रस की, वो 10.3 mm है, एंड जो ओवरीज है वो नॉर्मल है। ओवरीज का ये होता है ना कि जो कि ओवरीज कभी कभी ओपन नहीं होती हैं, तो इस तरीके से मेंशन कर दिया जाता है। अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब में भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो इसी अल्ट्रासाउंड में मेंशन हो जाएगी। बट ऑल ओवर जो मेरी यूट्रस थी, ओवरीज थी, वो सब कुछ ठीक था और POD भी क्लियर था बिल्कुल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ऐसे आप देख सकते हो। इस तरीके का था, और इम्प्रेशन मेनली जो होता है वो आपका इम्प्रेशन होता है या आपकी एडवाइस होती है, जो यहाँ पे मेंशन की हुई होती है। इम्प्रेशन के साथ ही एडवाइस मेंशन की हुई होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटीज़, तो कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं थी मेरे अल्ट्रासाउंड में। तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट अल्ट्रासाउंड था, जिसमें मेरी यूट्रस का पता चला, ओवरीज का पता चला। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका नॉर्मल सा एक अल्ट्रासाउंड होगा, उसी में सारी चीज़ें मेंशन कर दी जाएंगी। जो TVS होता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, और अगर आप लोग चाहोगे तो मैं दोबारा से शेयर कर दूँगी। TVS का अपना एक एक्सपीरियंस होता है और घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी TVS का एक्सपीरियंस। जानने के लिए मुझे कमेंट ज़रूर करें। चलिए मिलती हूँ इसी तरीके की यूज़फुल सी वीडियो के साथ में और अल्ट्रासाउंड के साथ में।
देखिए इस तरीके का होता है, और सिर्फ डायग्राम में मेंशन कर दिया जाता है कि जो आपकी यूट्रस है वो किस तरीके की है, कैसी है। ओवरीज का स्कैन है, जैसे कि राइट ओवरी है, यहाँ पे लेफ्ट ओवरी होगी, यस दिस इज़ लेफ्ट ओवरी एंड देन दिस इज़ यूट्रस। तो इस तरीके के स्कैन हैं, आपको सारी चीज़ें मेंशन कर दी जाती हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी। यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है किसी की हेल्प हो पाए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइज़।